वीडियो बना रहा है उनको मना कर देते हैं, यहाँ वीडियो नहीं बनाना है ना फोटो लेना है। तो ये आश्रम की तरफ से बोला जाता है आपको ऐसा करने के लिए? सब लोग बोलते हैं, मम्मी लोग भी बोलती है हमारी, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। बाबा नारायण सरकार हरि के आश्रम में महिला सेवादारों की भी एक बड़ी संख्या है। बाबा की एक महिला आर्मी भी है जो काले वर्दी में बाबा के साथ रहती हैं, कभी दूसरी वर्दी में बाबा के सामने दिखती हैं। इनका काम होता है कि जब बाबा के समागम होते हैं उस दौरान समागम में व्यवस्था बनाए रखना। कुछ सेवादार हमारे साथ हैं जो लगातार बाबा के आश्रम में पिछले कई वर्षों से यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, क्या सेवा करती हैं वहाँ पर आप? तो जल सेवा की, अभी 2 साल से वर्दी मिली है, 2 साल से कर रहे हैं हम जल सेवा, बस जल पिलाना है। वर्दी में कौन से कलर की वर्दी होती है? जो कमांडो वाली होती है काले रंग की? नहीं, गुलाबी कलर की। गुलाबी कलर की? अच्छा, गुलाबी रंग की वर्दी होती है आपकी। तो क्या क्या काम दिए जाते हैं, क्या आपको गाइड किया जाता है वहाँ पर? कुछ नहीं, काना बस जल पिलान पर, बस जो संगत आती है उसको पानी पिलाते हैं, बस जल पिलाते हैं। तो कहाँ से आई हैं आप यहाँ पर? तो ग्वालियर से। ग्वालियर से? अक्सर यहाँ पे आते हैं इस आश्रम में? आश्रम मतलब दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, जब पांडाल में बैठते हैं तब अंदर तो कहने जाने देते, अंदर नहीं जा पाते। अंदर नहीं जा पाते, तो जब पब्लिक आती है उनकी सेवा करती हैं आप? हाँ। अच्छा, 10 साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? हाँ, 10 साल आते हैं, पूरा घर जुड़ा है, मतलब सब आते हैं। हाँ। आते हैं, चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। तो एक जो बाबा की जो आर्मी होती है, जो बाबा की जो महिला लेडीज हैं काफी सारी जो सुरक्षा में खड़ी होती हैं, तो वो भी तो अलग वर्दी में होती है, उनकी अलग वर्दी होती है? नहीं, एक कलर की है, गुलाबी कलर की। गुलाबी कलर की। और जो काले कपड़ों में खड़ी होती है महिलाएं, वो लड़कियां वगैरह होती हैं, उनको ब्लैक कमांडो वगैरह भैया भी हैं, ब्लैक कमांडो की, गुलाबी भी भैया की हैं, ऐसा करके अपनी सेवा करके चले जाते हैं अपने अपने घर पर। तो वो जो ब्लैक कमांडो वाली होती है उनको अलग ट्रेनिंग देते हैं कोई? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। आप जैसे होते हैं वो लोग भी? हाँ। अच्छा बेटी, आपने भी काले कपड़े पहने हैं, क्या आप यहाँ पे करती हैं इस तरीके से सेवा? नहीं नहीं। तो क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 16 साल की हूँ। अच्छा, तो आप बाबा के आश्रम में कब से आ रही हैं? कब से आ रही हैं ये तो मम्मी को पता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी बहुत पहले से जुड़ी हैं। तो आप भी सेवा करती हैं यहाँ पर? हाँ, करते हैं। आप क्या सेवा करती हैं यहाँ पर? जैसे मतलब जैसे फोन वोन कोई चला रहा, वीडियो बना रहा, उनको मना कर देते हैं, यहाँ वीडियो नहीं बनाना है ना फोटो लेना है। तो ये आश्रम की तरफ से बोला जाता है आपको ऐसा करने के लिए? सब लोग बोलते हैं, मम्मी लोग भी बोलती है हमारी, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो जो काले कपड़े पहने, अपने घर के कपड़े हैं या यहाँ से वर्दी मिली है? घर के कपड़े हैं। घर के कपड़े हैं। हाँ। आप कमांडो नहीं है? नहीं। अच्छा, तो ये ट्रैक सूट होते हैं उनके, तो ब्लैक कमांडो। कौन से सूट होते हैं उनके? ट्रैक सूट होते हैं ब्लैक। वो आश्रम से मिलती है वर्दी? आश्रम से नहीं मिलती है। हाँ। तो काम में खरीदते हैं। तो वो स्वेच्छा से यहाँ पे काम करने आती है या उनको बोला जाता है? अपनी इच्छा के अनुसार ही लो तुम। अच्छा, अपनी जबरदस्ती नहीं है, मतलब तुम्हारी मर्जी हो तो सेवा कर्म करो, जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारी मर्जी थी इसलिए हमने ली, हमने सेवा कर्म की, हमारा भाव था सेवा कर्म का, तो हमने भाव, तो हम सेवा कर्म कर रहे हैं बस। जो कमांडो होते हैं उनको आई कार्ड मिलता है? अच्छा, आई कार्ड के बिना कोई भी सेवा नहीं कर सकता। आपका कार्ड अलग होता है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है अभी, उन लोगों का अलग होता है। हाँ। तो ये ग्वालियर से आया परिवार है जो बाबा की सेवा करता है, और आप देखिए एक जो महिला है उनकी बिटिया है यहाँ पर, इनका कहना है कि जो काफी वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा के आश्रम में सेवा करते हैं, हालांकि इनकी सेवा जल सेवा होती है। जो छोटी बिटिया है, जो महज 16 वर्ष की है, उसका कहना है कि हम ध्यान रखते हैं उन लोगों का जो वीडियो बनाते हैं या फोटो खींच रहे होते हैं, क्योंकि आश्रम की तरफ से एक गाइडलाइन है कि समागम के दौरान कोई भी वीडियो और फोटोग्राफी ना करे, इसलिए हम उसका ध्यान रखते हैं। और जो उनकी माँ है, उनका कहना है कि हम जल सेवा करते हैं, उनके लिए एक अलग वर्दी मिली हुई है, जो वर्दी यहाँ लेकर भी आई है, गुलाबी रंग की वर्दी है जो अभी पैकेट के अंदर है, और इस वर्दी को पहन के ये लोग सेवा करते हैं। और यहाँ पे बाबा की तस्वीर भी है जिसको अपने साथ ही लेकर चलते हैं। ग्वालियर से परिवार जहाँ चलकर आया है, और बताया जा रहा है कि हर वक्त वक्त पे यहाँ पे ये आते हैं, और बाबा के आश्रम में के जो समागम होते हैं या सोने ये मैनपुरी के आश्रम के बाहर हो या कहीं पे भी, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सिर्फ अपनी श्रम सेवा देते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, मन।